प्रेशर तो था थोड़ा कि बट हम जैसे नहीं है उसके थ्री सिक्सटी डिग्री अपोजिट एक कैरेक्टर परफॉर्म करना कैन बी अ बट डिफ़िकल्ट कैरेक्टर के बारे में तो जैसा मैंने आ, कहा कि मुझसे बहुत अलग है वो कैरेक्टर तो वो प्ले करना मेरे लिए एक चैलेंज था बट आई थिंक ऑडियंस को पसंद आ रहा है और सब आर्टिस्ट के सपोर्ट से भी मैं वो छोटी छोटी चीज़ें जो बावरी जी की है वो मैं अच्छे से निभा पा रही हूँ तो आई होप कि ऑडियंस को मतलब ऑडियंस ऐसे ही प्यार देते रहे मुझे हमारे शो को सब कैरेक्टर्स को सो या प्रेशर तो था थोड़ा कि प्रेशर तो था थोड़ा कि मैं ये कैरेक्टर कर पाऊँगी नहीं कर पाऊंगी बट जैसे कि पूरी टीम को भी मुझ पर विश्वास था जब उन्होंने मेरा ऑडिशन देखा कि हाँ ये कर सकते हैं आसिफ़ जी ने इतना विश्वास दिखाया मुझ पर तो आई होप कि उन्होंने जो विश्वास दिखाया मुझ पर उस पर मैं खरी उतरूँ और मैं आ, जो कैरेक्टर के रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करके ऑडियंस तक वो पहुँचा पाऊँ सो so, चैलेंजिंग तो था बट आई थिंक एक्टर के लाइफ में यही सब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि वो चैलेंजिंग रोल्स एक्सेप्ट करें हम जैसे हैं वो परफॉर्म करना शायद थोड़ा सा ईजी हो सकता है बट हम जैसे नहीं हैं उसकी थ्री सिक्सटी डिग्री अपोजिट एक कैरेक्टर परफॉर्म करना कैन बी अ बिट डिफिकल्ट बट मैं खुश हूँ कि मुझे पहले ही इसमें एक चैलेंजिंग रोल मिला एंड आई एम एंजॉयिंग इट कम्प्लीटली नहीं बस मैं टेली मसाला देखने वाले हर एक दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह आपने इतने सालों से हमें हमारे शो को प्यार दिया है आगे भी ऐसे ही देते रहें और बस कीप वॉचिंग तारक मेहता का उल्टा चश्मा एंड थैंक यू सो मच थैंक यू